हाँ जी, सारी सारी साध संगत नू जी, गुरु नानक दी सुलवाड़ी विच जी आया नू, गुरु जी सांझ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ते अज दी साडी क्लास सीक्वल चल रही है जी। वीर अमरजीत सिंह जी सानू एक जर्नी, एक जीवनी दे थ्रू लेके जा रहे जी फॉर द लास्ट फोर क्लासेस। Today's class is the fifth sequel of Jeevani Tan Tan Shri Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. Hun tak assi kafi unna di jeevani bare cover kita hai. Te I was speaking to Veer Ji yesterday. Te oh kehnde ki enna unna kol matter, enni jeevani de itihas, details, kuch hor bhi unna nu navi mil rahiyan ne, jehdi shayad unna ne 30-40 saal pehla पढ़ी सी, पर हुण ओ फिर निकल के आ रही ने, ते उन्हां दा भी मन है कि संगत नाल सांझ करन। ते विदाउट वेस्टिंग टाइम वीर जी, वी गिव द क्लास टू यू। सानू भी उन्हां नवीं चीज़ां दे थ्रू लैके चलो जी, वॉक अस थ्रू द जीवनी ऑफ गुरु साहब। ओवर टू यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह की सारे इतिहासकारा ने, इनक्लूडिंग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, अपने लिटरेचर नू पावे जिस तरह भी लिखा होवे, ये मन्या है कि धर्म दे रक्षक श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर सन, ओरिजिनली सृष्टि दी चादर सन। मैनू ये गल किवें पता लगी कि सृष्टि दी चादर सन, वो शायद इसी एपीसोड विच लास्ट ते, जे अज चांस लगे आ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी दे सीस दे बलिदान तो पहला तीन शहीदियां जो लगातार पिछले 6-7 दिन तो हो रही सन, वो हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते ही सन। पर मजे की गल है कि मुसलमान की रक्षा वास्ते भी सन, शूद्र की रक्षा वास्ते भी सन। मुगलिया इंपीरियलिस्ट ने जो हिंदुस्तान ते पठाना ते अटैक किया, पानीपत की पहली लड़ाई सुल्तान लोधी नू अपने पाले नाल मारिया, तो धर्म की रक्षा वास्ते गुरुआ ने मुसलमाना अते हिंदुआ दोना नू ही धर्म सिखाया। हक, न्या, इंसाफ। अगर असी वैदिक और शास्त्रीय युग विच भी चले जाइए तो जे 6 शास्त्र ने, उन्हां विच एक शास्त्र का नाम न्याय है और मीमांसा है, तो धर्म का नाम न्याय भी हुंदा है, इंसाफ हक भी हुंदा है। गरीब गऊ की रक्षा करना सिर्फ हिंदू ही नहीं, मानवता की रक्षा करने वास्ते राष्ट्रीयता छोटी पै जाती है। असी जदों बचपन विच इस गल नूं नहीं सां जानदे कि राष्ट्रवाद गुरु नानक दी वाणी च नहीं है, सारी मानवता नूं सांझी वालता दा उपदेश, सबे सांदी वाल सदाइन कोए ना दिसै बाहरा जी। गुरु नानक साहब दियां जेड़ियां ये बुनियादी दार्शनिकता विच, डिवाइन विच मैसेज सी कि नीचा अंदर नीच, जात नीची हूं अत नीच। शूद्रां नूं आरियंस ने किवें पीसिया, किवें महिंजो दाड़ो लाशां दे ढेर लगे, कलोनियां बनिया, हड़प्पा खत्म हुई, हजारां साल इनवेडर्स उसी इलाके चों आए, परशियन मिडल ईस्ट गल्फ तों, अफगानिस्तान तो, रशिया, ईरान, इराक तो, दुरानी तुरानी आए,
और एक दिन नहीं आए, आंदे ही रहे हजारां साल, और देखते देखते आर्यंस पहले इनवेडर सन और उन्होंने लोकल्स नू आदिवासी कह के बाइफरकेट करके शुद्र कह के कुछ चंद ब्राह्मणा ने अपनी मोनोपली बना के अपने आप नू हिंदू ना कह के इथों दे हीन नीच लोकां नू न्यासरे लोकां नू हिंदू कहण दा एक रिवाज बनाता। ते उन्हां न्यासरियां नू बचाण वास्ते कबीर रविदास नामदेव अते श्री सतगुरु नानक साहब फरीद जी दी बाणी नू लै के सांझी वालता विच नीवियां दे नाल जाके खलो गए। आप एक मैनू साह देण वास्ते जयकारा छड दिओ जी। बोले तो निहाल सत श्री अकाल। आप जी दे इन्ने वड्डे सहयोग नाल जो ये चीज नवे बच्चे ज्वाइन कर रहे ने और दास नू ये ब्रीफ विच बोलना पै रहा है, हालांकि ये चीज भी बड़ी डिटेल मंगती है कि गुरु नानक साहब का रोल इन्ना विशाल सी कि उन्हां तो पहले बड़े बड़े महान संत हो चुके सन, पर गुरु नानक ने अपने प्यार दी हारमनी दी नज़र विच आप उत्थे पहुंच के उन्हां संतां दी वाणी नू जो संत शरीर त्याग चुके सन अपने डायरियां विच अपनियां पोथियां विच लिख के एक दूर अंदेशी नाल पंजवें जामे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब दी संपादना दा एक व्यू बना लिया सी। एका बाणी एक गुर एका शब्द विचार, कॉन्सेप्शन गुरुआं नू शरीर करके जानन दा नहीं है, दसां जामियां विच इको ही वाहिद इको ही गुरु ज्ञान जोत, आत्मा दा कॉन्सेप्ट हिंदू फिलोसफी विच कोई हवा हो सकता है किसी दे टेडी चो निकल के दूजे च वड़ जाए, गुरमत दे विच कोई हवा किसी विचो नहीं निकल के आत्मा बन के दूजे विच जांदी। अगर ट्रांसफर हुंदी है ट्रांसफॉर्मेशन हुंदी है ते संगत दे विच विच संगत हर प्रभु से बसे जी, जिड़े जिड़े भी जिते शरण आए हैं तिते राख ले हैं। चूर आए मरासी आए मोची आए नाई आए गुरमत दी शिक्षा कुछ दिन लवे, सत्संग सुने कीर्तन भी सुने कथा भी सुने गुरबाणी भी पढ़े बर्तन भी मांजे और अमृत वेले दा जागना भी करे, ये जिहड़ी शिक्षा दीक्षा कवन गुरु कह पै देखिया लेवा तेरा कह पै मुल करावा मेरे लाल जी ओ तेरा अंत न जाना, तन दीक्षा दे उपर हल्का जा टच जरूर देईदा कि दीक्षित होना बहुत वड्डे सुभाग दी गल हुंदी है। थोड़ी देर वास्ते किसी केमिस्ट्री फिजिक्स दी विद्या लैके मनुख अधूरी नॉलेज नाल अपने आप नूं साइंटिस्ट नहीं कह सकता डॉक्टर नहीं कह सकता, एवें ही गुरुद्वारियां विच टेंपरेरी तौर ते रिचुअल्स नूं परफॉर्म करदिया होया शिक्षा लिते बिना गुरबाणी दी दसां गुरुआं दी इतिहास नूं समझे बिना कोई गुरु सिख भी नहीं बन सकता ते कोई खालसा भी नहीं बन सकता। दसो सत सिंह जी ठीक है? वाहेगुरु जी। हां जी, ये ते खंडे दी तार ते लहू लुहान होण वाला नृत है, खन्यो तिखी वालो निक्की ए तमारक जाना, ए गुरसिख सुई दे नक्के चो तैनू लंघना पेगा हंकार दे हाथी नू। जदों ये इतने विशाल नवे विचार गुरु नानक ते दसो पातशाहियां ने 300 साल विच खालसा पंथ बन के पिंड पिंड
शहर शहर पंज प्यारियां दा राज स्थापित होया और उसनू शुरू विच हलेमी राज किया गया। फिर हुआ हलेमी राज, हलीम राज साडा, हलीम हलीमी निम्रता। गुरबाणी विच उहदा कोई हिंदुइज्म नाल कोई किधरे फेटा नहीं है, सारे ही धर्मां दी रक्षा गुरबाणी ने कीती है। जे गुरबाणी कहिंदी है मुसलमान कहावन मुश्किल, ते दौलत खान दे दरबार विच मौलवी शिकायत लगांदे ने कि ए कल वेई नदी चो निकल के कह रहे सन के ना को मुस्लिम ना को हिंदू ना को हिंदू। राय गुलार जी दे जवाई दौलत खान ने कहा कि की सतगुरु नानक जी आप जी ने ए लफज वेई नदी चो निकलन वकत कहे सन हिंदू ना को हिंदू ना को मुस्लिम। मौलवी कह रहे ने, जजिस कह रहे ने, जिन्होंने जजमेंट देनी है कि तुसी नौकरी दा रिजाइन दे के नदी दे विच तीन दिन अलोप रहे और तुहानू अमृत दा मूल मंत्र दा प्याला मिलिया तां तुहानू कोई मुसलमान क्यों नहीं नजर आ रहा। तुसी ये लिखिया है कि मुसलमान कहावन मुश्किल। तां गुरु नानक देव जी ने दौलत खान नू कहा, नाल दी कुर्सी ते बैठे हुण नौकरी छड चुके ने, हुण दौलत खान बैग पाउन कर रहा है राय बुलार दा जवाई, हिंदुस्तान दे शहनशाह। जिस दा नाम लोधी है, सिकंदर लोधी है, वो बैग पॉन कर रहा, उदा भतीजा आर्मी कैंटोनमेंट दा हेड दा गवर्नर ऑफ पंजाब, इन अदर वर्ड्स कि सच्चे पातशाह आपने सानू पंच प्रवान पंच प्रधान दा जो नौकरी कर दिया पैगाम दिता सी कि तुसी हिंदुस्तान दे विच सोशलिज्म डेमोक्रेसी, मेरे को ले अधूरे वर्ड ने इंग्लिश विच, जिन्हों राम राज किया है ना, हर जुग जुग भगत उपाया, नाल बोलो पैज रखता आया राम राज, राम राजे। 24 श्लोक राम राजे दे उपर ने, तां किवें नहीं गुरु नानक ने ओरिजिनल राम राज स्थापित किया, जिन्हों शुरू च हलीम राज किया, फिर बाद विच पंज प्यारियां दे टाइम ते खालसा राज किया। तब भयो जगत सब खालसा अकाल जपाए, फिर उठे सिंह पुजंगिये नीलांबर धारा, तिन आगे कोई ना ठहरियो कांपे गिर बारा। भाई गुरदास चौथा जो गुरु गोबिंद सिंह जी तो 9 साल बाद पैदा होया, तो ये जो जोर लाया जा रहा है कि कॉन्सेप्शन गुरु नानक दा ही है, बाकी दसो गुरुआ दे शरीरां विच इको ही गुरु ज्ञान जोत वर्क कर रही है, उही खालसा पंथ दे विच सारे विच स्प्रेड हो गई। हाँ, अज क्वालिटी साड़ी दिन ब दिन कटदी चली जा रही है। हाँ, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अंदर नीच। गुरु नानक दा नारा दुनिया विच कि जेड़ा इना ने वर्ण वंड ते मनुवाद ते ना ते बाहरों आए हुए इनवेडर्स ने, आर्यन्स ने हिंदुस्तान दी सभ्यता नू गुलाम बना के शूदर नीच मरासी मोची कह के आपने आप नू ईरानी ईरानियन इनवेडर्स राजस्थान विच आंदे रहे, राजपूत बनते रहे, जाट इराक तो आंदे रहे। ये गल पिंडां वालियां ज्यादा पता है, सानू शहरियां नू घट पता है, उन्होंने मुझबानी पता कि ब्राह्मणा ने ऋषि युग की ट्रांसफॉर्मेशन तो जो मोनोपोलाइजेशन ऑफ रिलीजन करके कमर्शियल किया और मंत्रणा की चैंटिंग के पैसे लेके गऊदान
भूमि दान स्त्री दान दे पखंड नाल राजे बना के हिंदुस्तान नु गुलाम बना लिया ते सारे हिंदुस्तान दे लोगां नु हिंदू कहना शुरू करता। ते गुरु नानक ने कबीर ने रविदास ने सब ने रल के इस ओरिजिनैलिटी नु जानिया कि कौन प्रिस्ट्री क्लास दे ठग ने मौलवी मौलाने ब्राह्मण जिन्हां ने गरीब भोले भाले लोगां नु धर्म दे नां ते शुद्र कह दिता तां ही सबे सांझीवाल सदाइन दी थ्योरी शुरू होई। साध संगत आप बोर ते नहीं हो रहे हो? नहीं मेरे पिछले तीन दिनां तों गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी सवेर दोपहर शाम रात पढ़द्या 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 अखीर ते इन्ना जोर पै गया कि मेरे मन च आया मैं जो फ्रीली बोलदा हाँ वह ठीक है मैं तैयारी करके बोलन दे विच ओरिजिनैलिटी तो टुट जाता मैं डेटा इंज लगता जिवें को मैं इम्तिहान देन जा रहा पर मेरे सामने मेरे ब्रीफ नोट्स पे ने मैं उन्होंने वाल नहीं देख रहा कि यह जो ओरिजिनल चीज का बेस नवी जनरेशन नूं पता लगेगा तो वह इस एंगल तो स्टडी करनगे तो साध संगत दसो फायदा होएगा कि नहीं होएगा? हीनता नीचता साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हिंदू वर्ड का लिखायक बनिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिता हिंदू दी ओरिजिनैलिटी नहीं है, वाजपेयी ने भी कह दिता, पर असी फिर भी गुरु नानक नू गुरु गोविंद सिंह तक अपने लिटरेचर विच ए मनदे हां कि उन्होंने धर्म की रक्षा कीती है, खाली हिंदू ते मुसलमान दी नहीं कीती, इंसाफ दी रक्षा कीती। वाहेगुरु जेडे ए सिद्धांत ने ना राम राज दे खालसा राज दे के पहले हाथ मुंह धोवो पैर धोवो गुरु दे दर्शन बाद विच करो पहले प्रसाद छको। दसो दुनिया विच कोई जी आइडियालॉजी होएगी? तुसी साडे घर आए हो गुरु नानक दे मेहमान हो गुरु नानक दी विचारधारा नु बाद विच सुनना। खेतां चो जट आंदे सन चिकड़ दे पैर खेतां वाले धोए जांदे सन मूह चो बीड़ी कढवाई जांदी सी कि असा जी अज असी इन्नी लेबर नू मंगलवारी लंगर खवा के कदी एक दी भी बीड़ी जेब चो कढवाई है? कदी किसी ने चिट्टा पटका किसी भइए नू बनवाया किसी लेबर नू बनवाया? उस पुन्नदान दा की फायदा जेड़ा लेखे ना लग्या होवे? गुरमत दे विच पुन्नदान तत्तै सार ना जानी सिमरत सासत पुन दा पुन पाप विचार दे। ए लाइन बोल दो तां जे मैनू साह मिले। सिमरत सासत पुन पाप विचार दे तत्ते सार ना जाने तत्ते सार ना जाने तत्ते सार ना जाने गुरु बाजो तत्ते सार ना जाने। शाबाश बेटे मेहरबानी शाबाश मेहरबानी। तां ए जेड़ा सेंट्रल थीम है उहदे नाल इक उदाहरण बना दिंदा हां क्योंकि बच्चियां नू जो भी समझ आएगा पता नहीं कौन कौन कितों बोल रहा है कितों सुन रहा है। अकबर दे पिता हमायूं दे मरण तो बाद गुरु अमरदास जी नू वो बालक अकबर गोइंदवाल विथे विखे बैरम खान दे नाल मत्था टेकन गया। बैरम खान ओदा मंत्री से बाबर दे टाइम दा उन्हां दे हाथ पैर तो आए गए और गुरु अमरदास जी ने जो प्रथा रिवाज सी पहले अकबर शहनशाह नू जमीन ते बैठ के बैरम खान दे नाल तले जो टाट विछे हुंदे सन ओ दे ते हाथ ते प्रसाद लिया। भाई अज संगत जी बोलो सतनाम श्री वाहे
सतनाम शिवाय। बनाई हुई गल नहीं है, मेरी बनाई हुई गल नहीं है, ये ओरिजिनल है कि शहनशाह हिंद गुरु नानक दे दरबार विच गुरु अमरदास जी दे गोइंदवाल विच जमीन ते बह के बिना थाली तो उन्हें एवें ही प्रसाद लिया जिवें लंगर च खादा जांदा है, हथ ते ही रोटी पवा के दाल लई। ये मैं सिर्फ एक रोचकता वास्ते कि नवी जनरेशन नूं शायद ये गल चंगी लगे ते फिर गूढ़ी गल बोलना, प्रसंग की शक्ल च बोल रहा वा, साखी की शक्ल विच बोल रहा वा कि बैरम खान ने अख छुपा के उस प्रसाद दाल रोटी नूं इंज पिछे सुट दिता कंध दे परले पासे, और जदों दोनों गुरु अमरदास जी नूं अंदर मिलन गए उदों गुरु ग्रंथ साहिब की राइटिंग और उदा ख्याल भुल जाओ कि कोई पालकी सी कोई मत्था टेकेंदा सी, सिर्फ गुरु अमरदास जी नूं ही मत्था टेकिया जांदा सी। हां जी बी ते जदों अकबर ने सतगुरु अमरदास जी दी इस महान विचारधारा नूं सुनिया कि गुरु नानक ने ते पहले ही मानवता दे विच सारे ओ बेसिक सिद्धांत पकड़े हुए ने, पंड जमीए पंड निमीए, पंड होवे बंदान पंडो ही पंड उपजे, सो क्यों मंदा आखिए नाल बोलो जित जमे राजान। मानवता नूं इक्वैलिटी दा दर्जा दे के रब रूप कह के उहदे विच जिहड़ी विचरदी हुई जीवन जोत है एटर्निटी है उस नूं सत्कार दे के इह गुरु नानक ने अपनी गुरबाणी विच दसां जामियां विच गल फैला दित्ती इराक ईरान तक रशिया कि हर हर जन दोए एक, एक। कहना बड़ा आसान है, सामने दुश्मन खलोता होवे ते उनू हरी का जन कहिए ते अबदाली दे फौजा नू कहिए होका दे के साड़ा लंगर पक्या होया जे युद्ध बाद च करांगे पहले लंगर प्रशादा छक लो। ते जदों पठान आंदे सन और प्रशादा छक के कहंदे सन तन गुरु नानक तन गुरु गोबिंद सिंह तुसी सानू युद्ध वास्ते भी ललकार दे हो और आप भुखे रहिंदे हो जिहड़ा लंगर माइयां पकांदियां ने युद्ध दे विच सानू खवा देंदे हो, इस कॉन्सेप्शन नूं अज कोई करके दिखा है। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी सतगुरु सत संगत जी। हिंदू धर्म की रक्षा करनी या मानव धर्म की रक्षा करनी या मुसलमान की रक्षा करनी, सिख इतिहास भरिया पिया। गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो युद्धां विच उदाहरण दे तौर ते दीना बेग ते पेंडा खान जदों चमकौर दे कोलों लंघ रहे सन पहली वार च, दूजा युद्ध चमकौर दा सब नूं पता है, पर जदों लुधियाने दे कोलों 5,000 आर्मी लंघ रही सी ते पहाड़ी राजिया ने उहनां नूं पैसे दे के क्या गया गुरु गोबिंद सिंह हरिद्वार कुरुक्षेत्र दे विच अपनी पूरी 4,000 आर्मी लै के प्रचार ते गए हुए सन, हुण सिर्फ इन्हां कोल 200-400 आराम कर रहे ने, अटैक कर दिओ। और अटैक होया ते आप नूं पता है कि उस युद्ध दे विच 700 पठान तुगलिया आर्मी दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे फेवर दे विच उन्हां दी आर्मी दे विच आ गए, औरंगजेब दी आर्मी नूं छड के आ गए, एक जयकारा छड़। उसरे युद्ध विच 30,000 आर्मी लैके अंबाले दे कोल सढोरे विच साउथ इंडिया तो औरंगजेब ने ईरानियन संत पीर बुद्धू शाह जी दे साले नूं भेजिया शायद खान,
और उन्हें राती अपनी भैन नू रोटी खांदियां 30,000 फौज दे डेरे सडोरे ला ले ते भैन नू कहन लगा मेरी हमशीरा भैन तेरे गुरु गोबिंद सिंह नू मैं सवेरे 2 घंटे च पकड़ के गुरु औरंगजेब दे सामने अरेस्ट करके पेश कर दियांगा। ते भैन कहन लगी शाबाश मेरे वीर तेरे जीजा जी दे बोटियां नोच के चीलां ते कावां नू औरंगजेब ने खवाईयां सन तू ये बदला उतारन लगे अपने पणवईये दी लाश दा जिन्हें अपने पुत्रां दे छुरे मार के खून दी सुराही भर के मुगलिया हकूमत नू दित्ती सी ऐ गुरु गोबिंद सिंह दा खून लै लो। ते उना नजूमिया ने सुन के कहता सी ये दरवेश दा खून नहीं है एक किसी ऑर्डिनरी बंदे दा खून है एक जयकारा छड़ के साधे दे। बोले बोले सो उसने कहा तेरे सके दो पने मेरे सके दो पुत्र पौंटा साहब दे नाल युद्ध दे विच पहली बार गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों युद्ध जितया सी 22 पहाड़ी राजियां कोलों ते मुगल आर्मी कोलों भई जी ते मेरी कृपा काल केरी सबे वीर हर के 5,000 दी आर्मी ने 1.5 लाख दी आर्मी नू पंगाणी दे युद्ध विच हरा दिता सी। जिहड़े इतिहासकार हन उह जाणदे हन कि 100% सच गल है ते गुरु गोबिंद सिंह कोल 5,000 ट्रेंड आर्मी नहीं सी शहर दे लोग हवाई सोटियां लै के आ गए सन खोमचे लै के आ गए सन और उन्हां दे कोल बंदूकां सन और पीर बुद्ध शाह जी दी वोटी कहन लगी कि तू जनरल है मेरे वीरा मेरे गुरु गोबिंद सिंह नू पकड़ लेंगा जरा कल पकड़ के दिखा दे मेरे दो पुत्र ते मेरा देर उस युद्ध विच शहीद हो गए सन तू आज बदला उतारन लगे भाई। अगले दिन युद्ध होया उदे मन दे विच ओ आवाजां गूंज रहियां सन पैण दियां के पकड़ के दिखा दई गुरु गोबिंद सिंह जी नू ओ अल्लाह दा नूर ने वाहिगुरु कहंदे ने के उस युद्ध दे विच उस सैद खान या सैद बेग मैं लफज विच गलती खा रहा वा सैद खान सैद पहले युद्ध विच सैद बेग सी पेंडा खान दी ना बेग ते इहदे च सैद खान सी और सैद खान ने मन विच धारिया की गलती करन लगा साड़ी फौज हार रही है उन्हें मन विच धारिया के जे सच्चे मुचे परवरदगार दा रूप हो धन गुरु गोबिंद सिंह जी ते मेरे सामने आ जाओ दर्शन दे दियो ते मैं अपने शस्त्र थले सुट दे दिया। वाहिगुरु फुरना सोचिया ही सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी सफेद वस्त्रां विच सिल्कन कह लो पगड़ी भी सफेद कलगी भी सफेद और उस सामने घोड़े ते कहंदे ने सानू औरंगजेब नू अरेस्ट करके देना चाहंदे हो ऐ पकड़ो हेलो मैं किरपान रख दित्ती सचमुच मुगलिया हकूमत दी 30,000 आर्मी दे जनरल दे अंदर इन्नी शर्म आई ते इन्ना हैरान कर देन वाली शूरवीरता ते गिनती दे इन्हां दी कोल फौज किन्नी है सामने 1,000, 2,000, 5,000 लोग और 30,000 दी मुगलिया आर्मी दे नाल किरपान रख रहे ने कहंदे ने कि उसी वक्त वह घोड़े तो उतरिया उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी के रकाब के पैरों से सिर रख दिता और गुरु गोबिंद सिंह जी ने दो उंगलां उच्चियां करके सारे आकाश विच उस अनंत विराट रूप का गुरु नानक रूप दिखा के उन्हें सदा सदा वास्ते मुक्त कर दिता। जय कारा जी साध संगत ओ सैद खान दोबारा फिर युद्ध विच नहीं आया और पहले उनु जो ब्रह्म ज्ञान गुरु गोबिंद सिंह ने अख दे इशारे नाल दिता शब्द वेदी वाण नाल ओ हमेशा वास्ते गुरसिख बन गया। आओ इस कमाल दी गुरु इतिहास दी गुरु गोबिंद नानक तेग बहादुर जी दी जो जीवनी दा पिछला पक्ष दे नाल ओ रिलेट करदे हां
कि 30 मार्च 1664 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਥਾਲੀ ਨਾਰੀਅਲ ਔਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲੇ ਚ ਕੱਜ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਈ ਔਰ ਉਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1628, 30, 32, 34 ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨ ਮਿਟਾਓ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਮੀ ਮਰੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਚੋਂ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਰਹੰਦ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਗਵਰਨਰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਮੁਤਸਬੀ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਆ ਠੀਕਰ ਫੋੜ ਠੀਕਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਿਲੀਸ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਈਸ਼ਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪਰ ਕਿਆ ਪਿਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂੰ ਆਨ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 1628 ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਹੁਣ ਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1664 ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦੋ ਸੋਨੂੰ ਜੀ 1664 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 36 ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 36 ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜੋ 36 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਪੋਤਰ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਪੜਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਲਕ ਦੀ ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੀਪ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੇਨ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਲੇ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ
और कीरतपुर तो संगत विच ये तीनों वड्डियां शख्सियतां जिन्होंने तिलक लाना है जेड़े कीरतपुर दे तखत दे हैड ने सूरजमल जी वो सारे गुरु तेग बहादुर नू क्योंकि डिकलेयर जे हो गया बाबा बकाले वाले बाबा बकाले वाले तां सारे माझे दे विच खबरां फैल गई हिमालय दे विच हिंदू राज्यां विच खबरां फैल गईयां कि गुरु हरगोविंद जिन्हां ने सानू छुड़वाया सी 20-30 साल दी गुलामी तो जहांगीर तो उन्हां दे साहिबजादे गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर सृष्टि दी चादर नू गुरियाई मिल रही है इस करके उह सारियां माझे दीयां संगतां कि दिल्ली तो संगत चल पई है जिन्हां जिन्हां कोल जो जो रिसोर्सेज सन गुरुद्वारा ही सब तो वड्डा रिसोर्स सी जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन गुरु नानक साहब दे चरण जिथे जिथे पे उथे गुरुद्वारे बन गए। दसो ठीक है सतसंग जी? जदों गुरुद्वारियां विच खबरां फैल गईयां कि दिल्ली तो गुरियाई दे महापुरश पांच गुरसिख गुरियाई दी तिलक लै के बकाला विखे पहुंच रहे ने तां सारियां संगतां अगस्त दे पहले हफ्ते दे विच बकाले पहुंच गईयां। किते पहुंच गईयां? बकाले। साध संगत इंज नहीं है जिवे अज लाइफ बड़ी मॉडर्न फास्ट हो गई है कि जेड़ा टाइम दे देता उसी वक्त ही सब कुछ हो जांदा है। पैदल चलना पैंदा सी, नदियां चढ़ियां हुंदियां सन, पुल हुंदे नहीं सन, राज रातां रात रुकना पैंदा सी। 11 अगस्त तो पहला जिस दिन गुरियाई दा गद्दी दा तिलक लग्या वध चढ़ के हजारां दी संगत जदों बकाले पहुंचन लग पई ते गुरु रामदास जी दे वंशजां विच तीर मलिए प्रीथी चंदिए राम राइए इस सोढ़ी 22 लोग अपने आप नूं सोढ़ी राजकुमार संत भगत कहण वाले अपने मसंद दूर दूर तक गडवियां वाले भेज के पैसे इकट्ठे करन वाले विचे कच्चे ते विचे पक्के किथे इकट्ठे होने शुरू हो गए? बकाले। बकाला साहब विखे आप दर्शन करके आओ ना साध संग बकाला साहब दे दर्शन करके आओ व्यू सिचुएशन सामने नजर आए की हालात सन जदों उना 22 छोटे जे कस्बे विच 22 लोगां ने अपने अपने गुरियाई दे 50-50, 100-100 फॉलोअर्स अट्रैक्ट करने वास्ते सुनेही देने वास्ते इधर गुरु बैठे हैं ये असली गुरु हैं इन्हां नूं मत्था टेको। उस वक्त कीरतपुर तो आई हुई संगत दे विच मुखी पहुंच गए ते मैं आप जी नूं सवाल करांगा साह लैण वास्ते कि गुरु तेग बहादुर जी दी माता नानकी जी गुरु हरगोबिंद दे दसो पहले महल सन जां दूजे महल सन? पिछली बारी दस्या सी दूजे महल दे दो बच्चियां विचों बाबा अटल जी जा चुके सन और ए गुरु तेग बहादुर जी दी गुरियाई वास्ते जदों तिलक भी पहुंच गया कीरतपुर तो तिलक लाण वाले भी पहुंच गए एल्डर्स पहुंच गए माझे दे विच अमृतसर गोइंदवाल खडूर अपने पत्रिकावां दे के जिन्हां नूं मेवड़े कहंदे सन सुनेहे भेजे गए कि आओ एल्डर्स ऑफ माझा जिन्हां विच भाई गड़िया जी जिन्हां विच गुरु अमरदास जी दे बेटे दा नां दसो मोहरी जी ते मोहिन जी सोनू जी नाल बोलो बाबा मोहरी जी बाबा मोहरी जी बाबा मोहरी जी दे पुत्र दा नां द्वारका दास जी सी इन्हां दोनों एल्डर्स नूं बुलाया कि तुसी इस गुरियाई दा इन्नी वड्डी सेरेमनी जिवें तुसी अज छोटी जी प्राइम मिनिस्टर दी देख रहे हो बकाला साहिब विखे हजारां दी तादाद विच उन्हां 22 नकली गुरुआं दे सामने 11 अगस्त नूं गुरियाई दा इन्ना वड्डा समागम होया होणा है
सारा दिन हजारां दी तादाद विच लंगर वंडे होने ने की कोठे ते चढ़ के गुरु प्रगट नहीं सन होए उदों हां जी। शाह जी दे ते जिहड़े एल्डर्स बैठे ने जिहड़े क्लीयर करदे ने कई कॉन्सेप्ट्स नूं बई सानू पढ़ पढ़ के हैरानगी हुंदी है कि साडा इतिहास किवें लिखिया होया है गुरु लाधोरे की कमरे विच गुरु तेग बहादुर नूं गुरियाई दे दित्ती गई होनी है भोरे विच नहीं जी हजारां दी तादाद विच समागम होए होने ने एनी दुनिया ते कीरतपुर तों आई दिल्ली तों आई माझे तों आई गोइंदवाल खंडूर तों आई तां साध संगत जी ब्रीफ विच ही बोलना पएगा कि 11 अगस्त दी गुरियाई तों बाद फिर गुरु तेग बहादुर खुल के रोजाना कथा करन लग पे कीर्तन होन लग पे लंगर वंडीन लग पे भाई गुरु इरखालू जिन्हां विच 25 बंदूकां वाले भाई तीर मल ने रखे हुए सन उहदे नाल कुछ भी बंदे नहीं सन ते 100 बंदे सन जो उस गुरियाई वाले दिन भी बहुत वध चढ़ के उच्चा बोलिया कि मैं होन नहीं दियांगा मैं होन नहीं दियांगा। हुण आप जी नूं साह लैण वास्ते पुछदा हां कि आप जानदे हो गुरदित्ता मल जी ते तीर मल जी की लगदे सन ते गुरदित्ता मल जी गुरु हरगोबिंद साहिब दे वड्डे बेटे और उन्हां दे दो बेटे केड़े केड़े वड्डा पुत्तर तीरमल गुरु हरगोबिंद दा वड्डा पोतरा तीरमल ते छोटे पोतरे दा की नां सी गुरु हरि राय साहिब नाल बोलो सूरत तो अपने जहाज दे डुबन वकत जेड़ा बेड़ा बहुत वड्डा आर्मी दी सप्लाईज वाला बहुत मैटीरियल बाहरले देशां चो भी लियांदा सी ते इत्थों अपने अनाज लद के बाहरले देशां विच वेचण जांदा सी ओरिजिनली उह गुजराती सिख सी कौन सी गुजराती सिख सेंट्रल इंडिया दियां 5 स्टेटां विच मध्य प्रदेश कर्नाटका आंध्रा महाराष्ट्र गुजरात दे विच इस वक्त 12 करोड़ सिख उन्हां 12 स्टेटां विच रहण वाले वणजारा बिरादरी दे सारे श्री हदूर साहेब नाल जुड़े हुए पक्के गुरसिख ने नाल बोल दियो सतनाम श्री वाहिगुरु। जदों उन्हां 12 करोड़ सिखां दी 100 रुपए दा कड़ा प्रसाद कराण वास्ते भावे बच्चे दे जम्मण ते 1,00,000 रुपया लग जाए तो कड़ा प्रसाद हजूर साहब ही कराण जाण दसो साध संगत ठीक है वणजारे सिखां दा जिहदे विच मक्खण शाह जी लुबाणा ते लखी शाह जी वणजारा लुबाणा बिरादरी अलग ते वणजारा बिरादरी मक्खण शाह जी लुबाणे दा जहाज लगण तो पहला डुबदे बेड़े विच उन्होंने धन गुरु नानक साहब दे जपजी साहब दा पाठ किया एक मन एक चित होके पूरन गुरसिख ने डुबदे हुए बेड़े वास्ते बेड़े विच खड़े होके अरदास कीती सारे लेबर ने देखिया सेवका ने देखिया कि बेड़ा किनारे ते लग गया ते माल विक गया ते हजारां दिनारां कमा के उदों दिनारां खचरां ते लदियां जांदियां उदों नोट करंसी नहीं सी केड़ी करंसी सी दिनार चांदी ते सोने दियां दिनारां दे भरे हुए बोरियां नाल जदों ओह दिल्ली पहुंचिया सूरत तों माल वेच के ते गुरु हरकिशन जी दे ज्योति जोत समान दी खबर सुन के अपने 500 सेवकां दे जत्थे नाल जिहदे विच 300 घोड़ सवार ते 200 पैदल उहदा पुत्तर लाल चंद चंदू लाल उहनां दी वोटी उहनां दे रिश्तेदार बड़ा करोड़ अरबपति ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਕਾਲੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ
मतलब आउटर स्कर्ट्स ऑफ इस करके चुनिया गईयां बकाले दियां के कूड़े किथे बनांगे, पानी दा की इंतजाम होएगा, हजारां दी संगत जुड़ी हुई है, 2 महीने हो गए ने गुरु आई मिल चुकी है, मैं सेवक ते अपना अपना दसवंद देन आया। बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साध संगत जी प्रीथी तीर मलिए ने इस गल नू देखिया कि इन्नी वड्डी फौज आ गई है, मक्खन शाह लुबाणे दे सेवक आ गए ने, बंदूकां वाले ने, शस्त्रधारी ने, और बाहर उन्होंने उस जगह ते ना गुरुद्वारा छावनी साहब अज भी है, उथे उन्होंने छावनी पाई। नाल बोलो वाहेगुरु कीरतपुर चला गया सी। ए मैं आप जी नू हल्का जा हिंट दे दिया। नाल बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु। इन द मीन टाइम जदों तक गुरु तेग बहादुर नू तिलक नहीं लग्या, 30 मार्च 64 नू तीरमल नू जदों खबर 15 दिनां बाद मिली, वो कीरतपुर चला गया छोटी भरजाई जी कोल, माता कृष्ण जी कौर जी को। नाल बोलो माता कृष्ण कौर जी। माता कृष्ण कौर जी, श्री गुरु हरिकृष्ण जी दे माता जी दा नाम, जेड़ी गुरु तेग बहादुर साहब दी पोतरी उन्नू है। कौन है माता कृष्ण कौर जी? माता कृष्ण कौर जी नू तीर मल अपनी छोटी भरजाई नू जाके कहंदा, कृष्णा हुण ते मेरे नाल इंसाफ कर दे, तेरा घर वाला भी चला गया, तेरा पुत्र भी चला गया, मैं सोढ़ी वंशज गुरदित्ता मल जी दी अंश हां, गुरियाई बाहर देंगी, तेगे नू मिलेगी, कि असी गुरियाई अपने घर नहीं रखनी। महापुरुषा तो मिलते ने, साडिया अकलां ते किताबां नाल नहीं मिलते, मेरे भी महापुरुष होए ने, असी भी बचपन तो महापुरुषां ब्रह्म ज्ञानियां संतां दियां संगतां विच मिट्टी दे कीड़े जमीनां ते बह के सुनते रहे। की सुनाया उन्होंने? कृष्ण कौर जी कहन लगे, देखो जेठ जी, मैं गुरु पत्नी भी हां, गुरु मां भी हां, पर मैं कदी गुरु हरकृष्ण महाराज नूं पुत्र करके नहीं देखिया, गुरु नानक साहिब दी जोत करके देखिया, मेरी की औकात है, मैं गुरियाई अपनी अकल नाल दे दियां। ओ गुरु हरकृष्ण गुरु नानक साहब सन, उन्होंने जिन्हां नूं गद्दी देनी सी ओ दे के गए ने, मेरी नजर विच एक गल ही नहीं है कि ओ मेरे पुत्र सन। कल सवेरे ये जेड़ा मक्खन शाह है इन्ना अमीर, बोरियां सोने दियां खचरां भर के दिनारा लियाया, ते सारियां नूं पता है कि दसवंद देण आया, अमीर है, बहुत अमीर है, समुद्री जहाजां दा मालिक है, 5,000 उसको बैल सन, 5,000 बैलां ते, क्योंकि ट्रक नहीं सन होंदे, एक एक बैल दे उपर 100-100 किलो दी, 200-200 किलो दी बोरियां लद के एक्सपोर्ट करन वास्ते ओ उना गुजरात दियां बंदरगाहां ते पंजाब नॉर्दर्न इंडिया तो अनाज ले जांदे सन। जदों उन्होंने मक्खन शाह जी नू शाम नू सिरोपा दे दिता, मक्खन शाह नू पता लग गया कि ए मैनू सिरोपा दे के फसा रहे ने, कि मैनू ए दसवंद लैण वास्ते कर रहे ने। दसो सात संगत, हिंट मिल गया ना? जी जी बिल्कुल। केनू? मक्खन शाह नू। कि कल मैं जो सवेरे करना है, ते अमृत वेले उठ के जदों शहर विच बकाले उन्हां बाई मंजियां नूं 2-2 दिनारां देण गया, सारे लाइन लाके नहीं सन बैठे हुए, स्कैटर्ड सन, और जदों शाम पै गई
और सारियां को लोग पुछदा है इस स्टोरी दे उपर मैनू बड़ा डाउट है। जिहड़ी एक दूजे की नकल करके किताबा लिखिया हुई ने ना जिहड़ियां मैं पहले दिन ही कहा सी भई जदों गुरु है ने गुरु तेग बहादुर 2 महीने हो गए ने सत्संग चल रहे ने हजारां संगतां ने मैं उहदे च अपनी विवेक नाल तुहाडे सामने पेट कर रहा वा कि इंज नहीं हो सकता कि मक्खन शाह पुछदा होवे कि भई कोई होर भी रह गया नहीं तो इस सैमीनार दा इस इन्ने वड्डे सकेत गुरुद्वारे दा प्रयोजन ही फेल हो जाएगा जे असीं ओह मन घड़ंत गल्लां लिखियां लिखाइयां सुना देंगे। दसो सतसंगत जी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हां जी हां जी असीं विजडम वाले विवेकी सिख साइंटिफिक अप्रोच नाल अपने इतिहास नूं डिस्टॉर्ट नहीं होण देंगे। गुरियाई मिल चुकी है हजारां संगतां ने जेड़े भाई गड़िया जी गोविंदवाल तो भाई द्वारका दास जी मोदी जी के बेटे सब वापस जा चुके ने 2 महीने हो गए। उन्होंने बड़े सत्कार नाल जाके जब सतगुरु तेग बहादुर जी नूं ओही 2 दिनारा मत्था टेकिया होगा तां अगों सतगुरु जी ने अपने विवेक नाल सोचो की क्या होगा ठीक है आएगा ना मेरे प्यारे बच्चे गुरसिख जी मक्खन शाह जी कौन नहीं जानता तुहानू। मैं पिछली एपीसोड च दस्या सी कि गुरु हरि राय जी जदों कश्मीर दी यात्रा ते पातशाही 6वीं श्रीनगर दे विच पहुंचे सन माता भागबरी दे गुरुद्वारे जदों मक्खन शाह जी नाल सन जेड़े हुण ज्योति ज्योत समा चुके ने कौन जी सात संगत के दे वाली इशारा कीता है मक्खन शाह जी मक्खन शाह आज 1664 विच बोलिया जा रहा है 1661 दी 30 मार्च नू गुरु हरि कृष्ण जी तो पहला गुरु हरि राय जी जदों कश्मीर यात्रा ते सन उदों मक्खन शाह गुरु हरि राय जी दे नाल श्रीनगर विच सी। गुरु तेग बहादुर ने कहा ए मेरे गुरसिख सेवक वीर तुहानू कौन नहीं जानदा तुसी गुरु घर दे बड़े परम सेवक हो पर की तुसी जपजी साहिब दा पाठ करके अरदास गुरु नानक नू कीती सी ते ए वाली 2 दिनारा कीती सी या दसवंद कीता सी? वाहिगुरू 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 हुण आप जी नू विजडम विवेक च बोल रहे सुन रहे हो ना जी तां उसी वक्त उन्होंने एकदम हल्का फुल होके कहा गुरु ला दो रे सच्चा गुरु ला दो रे सच्चा गुरु ला दो रे। वाहिगुरू एक खबर जदों फैल गई कि इन्नी वड्डी जेड़ी भेटा लेके आए ने सोने दियां बोरियां भर भर के उन्होंने गुरु तेग बहादुर दे चरणा विच रख दित्तियां ने शाम नूं सोडियां राजकुमारा ने खुसर खुसर कीती और भाई तीर मल दे 25 बंदूक वालिया ने रात नूं कहा भई तेग बहादुर नूं मारे बिना कोई रस्ता नहीं है जिन्ना इन्हां दे कोल इन्नी भारी भेटा आंदी है इन्नियां हजारां संगतां आंदियां ने असीं ते उन्हां नूं गोली जरूर मारांगे। रात नूं फिर तीर मल ने कहा भई इह काम ना करना गोली मारन तो इलावा जो करोगे उन्हां दे कोलों दसवंद पेटा खोण वास्ते मैं तुहाडे नाल हां पर तुसी मेरे मसंद हो तां मैं आप जी नूं क्वेश्चन करदा वां कि उह किहड़ा मसंद सी जिहने गुरु तेग बहादुर नूं अगले दिन गोली मारी सी? नाल बोलो शीहा हुण तीर मल जी ने मना कर दिता कि मेरे रिश्ते विच चाचा जी लगते ने पाप ना करना मेरी ठीक है उन्होंने नाल ये ईरखा है कि मैं गुरदित्ता मल वड्डे भरा दा पोतरा वा ये मेरे चाचा जी ने पर गोली ना मारना। पर अगले दिन मसंदा ने जदों गुरु तेग बहादुर 10 अक्तूबर नूं सवेरे सैर अमृत वेले घोड़े ते करके आंदे सन पिंड विच वड़दियां ही गोलियां चलियां
गुरु तेग बहादुर जी नूं नहीं लगी, गुरु तेग बहादुर अपने स्थान ते आके पहले नीचे बैठे फिर उपर चले गए कि लोकी सोचन के छुप गए। नाल दे कोठे ते बंदूकधारी आ गए और गुरु तेग बहादुर नूं गोली मार दिती और गुरु तेग बहादुर नूं इंज मत्थे तों छूंदी होई खून वगांदी होई निकल गई और माता नानकी जी कोठे ते आ गए। उन्होंने पुत्र दा खून हाथ नाल पूंजिया, कपड़े नाल पूंजिया और अपनी सक्की गुरु हरगोबिंद जी दी वट्टी वोटी दे पोतरे नूं गालां ते डांट मारी कि तू कित्थों आ गया बेशर्मा, जदों गुरु दा तिलक ते वडियाई गुरु हरकिशन जी महाराज आप दे गए। नाल जयकारा छड़ दिओ। बोले बोले सो निहाल साकार। इस वक्त ए वाका वापर गया इस छोटे जे कस्बे शहर विच मक्खण शाह जी दे कोल उना दी छौनी विच जिहड़ी उसों वध तों वध 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल लोग पहुंचे ते मक्खण शाह अपने शस्त्रधारियां अपने सारे सेवकां दे नाल उस पासे टुर पिया। इन्नी देर शीहे मसंद दे समेत तीर मलिए दे सारे सेवकां ने जिन्ना दसवंद आया होया सी वो सारा बोरियां भर के लुट के जांदे पे सन के राह दे विच मक्खण शाह जी टकर गए और उन्हां सारियां नूं मुश्कां दे नाल बन लिया। मुश्कां नूं कहिंदे ने बंदूकां दोनों पासे सन पर गुरु दी कला वरत गई कि बंदूकां चलिया नहीं और मुश्कां बनणियां हुंदियां ने थल्ले दबा के रखना ते फिर पिछों हाथ बन देने। गुरु तेग बहादुर जी दे सामने जदों ये सारे मक्खण शाह दे सेवक सैकड़ियां दे तादाद विच उन्हां नूं बन के लै आए। हां जी की करके ले आए? बन के लेके आए। गुरु तेग बहादुर जी ने जदों अखां नाल देखिया कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ भी खोले आए ने बीड़ा रुमाले तां गुरु तेग बहादुर साहब जी ने की मेहर कीती अख दे इशारे नाल मक्खन शाह जी नूं कहा नहीं मक्खन शाह जी नहीं मक्खन शाह जी ये काम गुरसिखी दा नहीं है जिन्हां दे कोलों लै के आए हो वापस कर दियो। वाहिगुरु नाल बोलो जिन बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग लियो बैराग कहो नानक सुन रे मना कहो नानक सुन रे मना नर माथे भार गुरसिख कहाना मुसलमान कहाना मुश्किल जे होए ता मुसलमान कहावे की होए ता मुसलमान कहाए ईमान ही नहीं ते फिर तुसी मुसलमान कित्थों जे तुहाडे कोल ए विरक्त अवस्था ही नहीं अनुराग अवस्था ही नहीं ते तुसी खालसे कित्थों। नाल बोलो जिन माया जिन ममता माया तजी माया तजी सब ते पयो उदास सब ते पयो उदास ओ नानक सुन रे मना ओ नानक सुन रे मना घट ब्रह्म निवास घट ब्रह्म निवास ये दो पंक्तियां सारी गुरु तेग बहादुर दी बाणी विचों कंठस्थ करके आज सारी रात सिमरन इन्हां पंक्तियां दा करके अपने ते टुकाइए कि असी बिखिया तज दिती है इस जीना ने ममता ते माया ममता तज के दिखाओ ना। तह घट ब्रह्म निवास गुरु तेग बहादुर जी ने ब्रह्म दे निवास दा मक्खण शाह जी नूं उपदेश दिता। मक्खण शाह जी ने चरणा विच डिग के तीर मल जी गुरु तेग बहादुर दे चरणा च डिग के सारा खोया होया माल उन्हां नूं वापस दे जिहड़ा मक्खण शाह खोया होया जिहड़ा तीर मल ने खोया वह मक्खण शाह ने उन्हां कोलों खो के वापस कर दिता। भीड़ नहीं दी, वाहेगुरु जी वाहेगुरु, भीड़ इन्हां कोल ही रही।
22 नवंबर आ गई नाल बोल दियो 22 नवंबर ये वार्ता 11 अक्टूबर दी है सिर्फ 11 दिनों के अंदर अंदर सारे सोढ़ी राजकुमार नट गए तीरमल नट गया 22 दे 22 नट गए गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल सारी संगत हजारां दी तादाद विच तैयार हो गई कि जे मक्खण शाह दी 500 फौज नाल है हुण सीधा हरिमंदर साहब जाके वो जिहड़ी बीड़ उत्थे पई है प्रीथी चंदियां दी लिखी हुई उह चुकवा देनी है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब साडे कोल ने असी ओदा उत्थे जाके प्रकाश कर नाल बोलो जयकारा छोटे बोले बोले सो निहाल साकाल जिहड़ी संगत ऐतकी नवी आई है फरीदाबाद तो बेटी बैठी हुई है ओदी आवाज मैं पहचान रहा की नाम सी बेटे तेरा हां जी मैं वीर जी परमिंदर कौर प्रीति ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰਜੀ ਔਰ ਕੌਲ ਜੀ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 3240 ਅੰਕ ਦੀ ਬੀੜ ਬਰਨਾਲੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਰਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀੜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਵਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੀੜ ਤੀਰਮਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਰਤੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਾਓ ਉਸ ਸਮਾ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਮਾਨਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਓਰਿਜਨਲ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋਈ ਬੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੀਰ ਮਲ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਬਸੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹਰਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕੌਣ ਸਨ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚੋ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਡਬਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
उत्थे गुरु तेग बहादुर राह विच फिर मक्खन शाह दी उड़ीक करदे रहे, संगत दी उड़ीक करदे रहे। जदों पिंडां विच खबरां फैल गईयां कि नौवें पातशाह प्रगट हो गए ने, तिलक लग गया है, माझे पहुंच गए ने, और उन्होंने अंतर सरिये कह दिता है, अमृत सरिये अंतर सड़िए, और मातावां ने पहचान लिया है। तो मैं जेडे सिख जी बैठे ने सह लैण वास्ते पुछांगा कि वह वल्ले दे पिंड जदों बाहर पहुंचे तो उन्होंने केड़ी माता मिली जेड़ी अपने घर कोठे ते लै गई। नाल बोलो माता हर हां जी, गुरु खालसा इतिहास सुनहरी जेड़ा सिखा नू पता नहीं है कि माता हर हां दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब विच आया होया, गुरबाणी दे विच आया होया। तीन दिन उत्थे रहे, दीवान सजे, संगतां माझे दियां पहुंच गईयां। उस तो बाद जेड़ी कला वरती के जेड़ा बटाले दे कोल चोला जिथे गुरु नानक दा पिया होया, सतगुरु नानक दे नू मक्के दी यात्रा विच जदों रशियंस ने ताशकंद उज़्बेकिस्तान दे मुसलमाना ने जदों उना दी सिखी ग्रहण कीती, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीता। पिछली बार आप जी लोग कह रहे सो नाम दे उपर बोलो, ते दास ने कहा सी कुछ दिन बाद गुरु नानक ने जदों ताशकंद बलख बुखारे विच नाम ज्ञान दिता सी, ते हजारां लोग गुरु नानक दे मुसलमान फॉलोअर बन गए सन, मंगोल फॉलोअर बन गए सन। बाबर मंगोल सी, बाबर दे शहर दा नाम समरकंद सी। उस वक्त जेड़ा चोला गुरु नानक देव जी नू मक्के मदीने विच पवाण दा सुभाग मिलिया, चोला दास अमरजीत सिंह ने चोला साहब गुरुद्वारा विखे जाके अखा नाल देखिया होया है। उत्थों संगत आई, बेदी वंशज आए, उन्होंने कहा सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर आपने पहले जामे विच जेड़ा चोला पाया सी, आओ असी ओदी तुहानू झलक और दर्शन कराना। जयकारा छड़ बोले बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुड़गांव दे लखविंदर जी और मनदीप कौर जी अगर बैठे हुए ने, ते वो मेरे नाल सन जदों सिख आर्मी ने सानू वो चोला दिखाण वास्ते, वो इन्ना वड्डा लकड़ दा शीशे दा फ्रेम खोल के दिखाया, ते मैनू हाथ लाने दी इजाजत दित्ती। उहदे उपर हेक्सागनल ऑक्टेगनल क्यूब्स विच पांच परशियन अरेबियक तुरेत दियां लैंग्वेजेस दे विच कुरान शरीफ लिखिया होया, दुनिया का सब तो वड्डा आलम गुरु नानक जिन्हों कुरान शरीफ दियां पांच लैंग्वेज लिखिया होया आयतां दे नाल चोला पवाया गया। वाहिगुरु जी। देखन तो बाद ही इंसान एकदम ठीक हो जांदा है। मैं अखां नाल देख के आया, हले भी उस कपड़े नू हथ लाओ ते करीम कलर दा, जदों उत्थों संगत लै गई ते बाबा गुरु तेग बहादुर जी वापस आ गए, ते उस तों बाद गुरु तेग बहादुर अमृतसर तों तरन तारण चले गए, और तरन तारण दे विच कोड़ी खाना और अमृतसर दा यतीम खाना जिन्ना दसवंद खुल के उत्थे कोड़ी खाने विच गरीबां नूं वंडिया, उत्थे आप गुरु तेग बहादुर ने लंगर वंडे, और उस तों बाद गुरु तेग बहादुर जी नूं बाबा मोहरी जी दे बेटे गोइंदवाल पहले खंडूर फिर गोइंदवाल लै गए, और गोइंदवाल तो गुरु नानक देव जी दे शहर गुरु तेग बहादुर संगतां समेत पैदल सुल्तानपुर लोधी चले गए। दास ने वो रूप पांच बारी ट्रैवल कीता है कार ते, वो 23 किलोमीटर है। सुल्तानपुर लोधी तो गुरु तेग बहादुर अगे साबों की तलवंडी जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमा साहिब विच गुरु ग्रंथ साहिब लिखे सन, उहदा बेस गुरु हरगोबिंद साहिब ने बनाया होया सी। सारा मालवा बंजर इलाका बठिंडे तक दा कवर करदे होए मस्या दी दसंबर दी जिहड़ी मस्या सी ओ वापस आके कीती, और फैबररी 1665 नाल बोल दिओ, फैबररी 1665 फैबररी 1665 विच कीरतपुर माता कृष्ण कौर जी दे कोल आके अपने पोतरे गुरु हरिकृष्ण महाराज दी परचौनी भी कीती,
और उन्होंने अपनी पोतरियों नु सिर ते हथ रखिया और दो महीने उत्थे कीरतपुर रहन तो बाद तारा चंद नां दा बिलासपुर दा राजा मर गया। उहदी वोटी ते उहदे पुत्र ने बेनती कीती कि आप दे पिता ने साडे पिता नु जेल विचों छुड़वाया सी, तुसी भोग ते जरूर पहुंचो। गुरु तेग बहादुर बिलासपुर मंडी वाले पासे संगतां दे नाल गए और आनंदपुर दी जमीन उस माता चंपा देवी ने जमीन ते बह के उन्होंने भेटा दिती। पर गुरु बालम साखियां भाई वीर सिंह जी दियां विच लिखिया होया कि उन्होंने 500 रुपये भेटा दे के तामर पत्र रजिस्ट्री करवाई और उस शहर का नाम आखोवाल का पिंड का नाम श्री आनंदपुर साहब बन गया। और आनंदपुर साहिब दे विच जून दी 19 दी बुनियाद बाबा बुढ़ा साहिब जी दे पड़पोतरे गुरदित्ता मल जी ने रखी। आप जी नाल बोलो, बाबा गुरदित्ता मल जी ने रखी। बाबा गुरदित्ता मल जी ने रखी। 19 जून दे विच आनंदपुर 1665 विच बनना शुरू होया और 6 महीने दे अंदर अंदर दिसंबर निकल गया। बड़िया वड्डिया मंडिया, बड़े वड्डे बाजार, बड़े वड्डे उत्थे अमृतसर दी तरह इंतजाम कर दिते गए। आनंदपुर दे विच इन्नी संगत आई कि सारे देशां जो काबल तो भी संगत आई। इस वध चढ़ दी संगत दे नाल जो ईरखा होर लोकां ने कीरतपुर वालियां ने कीती और बाहरलियां चिट्ठियां बंगाल दियां, बिहार दियां, यूपी दियां कि 150 साल हो चुके ने गुरु नानक नूं इत्थों गया, वापस आके बूटियां नूं पानी पाओ। ते आगरा मथुरा ते इटावा दे राह तों गुरु तेग बहादुर इलाहाबाद पहुंचे और उत्थे संगम त्रिवेणी ते इशनान इस करके कीता, जब ही जात त्रिवेणी भए पुन दान दिन करत पुते तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे पवले। 1666 दी 22 नवंबर नूं कुछ इतिहासकार 26 दिसंबर नॉट नवंबर कुछ 22 दिसंबर कुछ 26 दिसंबर ए 1666 दा जो गुरु गोविंद सिंह जी दा उसी जगह ते पटने विच प्रकाश होया। उस तों पहले बंगलादेश जाके वो 9 गुरुद्वारे बनवा चुके सन ढाका और चिटागांग दे विच। और जेड़ा डॉक्यूमेंट पिछली बारी दस्या कि सब तो वड्डा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गुरु तेग बहादुर जी ने वो जेड़े 9 वड्डे राजियां कोलों असाम दे राम राय तो चक्रध्वज तो राजपूत राजा राम सिंह नूं दिवा के एग्रीमेंट ते गवाही पा के कि मैं पैसे तुहानू तो आए ने, मैं तुहानू मुगल हकूमत नूं ए टैक्सेशन जेड़ी पिछले 9 साल तो नहीं सी आ रही वो दिवाई है। वो सचमुच पटने नूं एक रात वास्ते टच करके गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन करके सीधे दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली रेड फोर्ट दे विच उस डॉक्यूमेंट दे उपर मेरी बेनती है कि अपने बच्चियां नूं ह्यूमैनिटीज करा के PhD डिलीट कराओ कि वो डॉक्यूमेंट फाइल च क्यों इन्ना इंपॉर्टेंट सी कि गुरु गोबिंद सिंह गुरु हरगोबिंद जी ने भी जामनी भरी मुगलां दी कि हिंदू राजे तुहाडे खिलाफ नहीं ने तुहाडे नाल चलणगे। और अज गुरु तेग बहादुर ने भी उस राजपूत राजा राम सिंह नूं बचाण वास्ते जामनी भरी कि इहदे ते एक्शन ना होवे और गुरु नानक दे घर दी उवें ही इज्जत बनी रहे कि असीं तुहाडे नाल हां, तुसीं सानूं युद्धां दे विच अपना गवर्नर तो पुछ लो कि असीं युद्ध नहीं सन कीते, तुसीं कीते सन, असीं तुहाडे नाल हां। गुरु तेग बहादुर जी दी इस डॉक्यूमेंट दी खबर औरंगाबाद औरंगजेब नूं 2.5 महीने बाद पहुंची कि गुरु तेग बहादुर जी दे कोल जेड़े कश्मीरी पंडित आए ने उन्हां नूं शेर अफगान खान ऑफ कश्मीर गवर्नर ने उन्हां दे जनेऊ उतार के गां दा मांस खवा के लखां दी तादाद विच हिंदूइज्म खत्म कर रहा है। तां गुरु गोबिंद सिंह जी उदों वापस आ चुके सन। ये दोनों आपस विच प्यो पुत्र सिर्फ 1.5 महीना ही इकट्ठे रहे ने। इहदे सबूत दास कोल ने, अगले एपीसोड जरूर दसेगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर सिर्फ 1.5 महीना इकले इकट्ठे रहे ने। और जदों गुरु तेग बहादुर साहिब ने यह किया
ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।